उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा कलेक्ट्रेट में आयोजित विभिन्न बैठक में शामिल हुए। रीवा से सिंगरौली के लिए बनाई जा रही रेल लाइन को लेकर रीवा सतना सीधी सिंगरौली जिले के कलेक्टर, पुलिस अधिकारी, फॉरेस्ट अधिकारी एवं रेलवे अधिकारी इस समन्वय बैठक में शामिल हुए। बैठक में डिप्टी सीएम ने रेलवे के कार्य प्रगति व उनमें आने वाले अवरोधों की जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से कहा कि हर हाल में सारी अड़चनों को दूर कर जून 2025 तक रीवा से सीधी तक रेल लाइन का कार्य खत्म किया जाए, जिससे भोपाल से रीवा आने वाले रीवांचल ट्रेन सीधी तक पहुंच सके। साथ ही दिसंबर 2025 तक सिंगरौली तक रेल लाइन के कार्य को पूर्ण किया जाए। रीवा से सीधी व सिंगरौली तक रेल सुविधा शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने रेलवे के विस्तार के लिए पर्याप्त बजट दिया है। सिंगरौली तक रेल लाइन का कार्य पूरा होने के बाद औद्योगिक और पर्यटन के क्षेत्र में क्रांति लाने का सपना पूरा हो जाएगा। विंध्य क्षेत्र के लिए रीवा सिंगरौली लाइन भाग्य रेखा बनेगी। रीवा गोविंदगढ़ का कार्य आपको मालूम ही होगा, पूर्ण रूप से वो रेडी है और उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मंत्रालय हमें जब ये सूचित करेगा चलाने के लिए का, तो कभी भी हम चलाना शुरू कर देंगे एक ट्रेन। नहीं, बाकी हम लोगों की जो बैठक हुई थी उस पर विभिन्न मुद्दों पे चर्चाएं हुई। ख़ास तौर से फोकस था जो यहाँ नई लाइन रीवा सीधी सिंगरौली और उस तरफ आगे सतना के आगे पन्ना की तरफ जो नई लाइन का कार्य है उसमें जो भी प्रोग्रेस हो रही है और जिन मुद्दों को हमें अभी थोड़ा एफर्ट्स करने हैं, कोई ऐसे बिंदु हैं जिसमें हमें स्थानीय प्रशासन की भी मदद चाहिए, उन सभी पे चर्चा हुई कि किस प्रकार इस कार्य को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, इस प्रोजेक्ट को। रेलवे के अधिकारियों के साथ और चारों जिलों के कलेक्टर और सतना रीवा सीधी सिंगरौली और पुलिस के अधिकारी और फॉरेस्ट के और रेलवे के जबलपुर में जीएम से लेकर सारे अधिकारी जो फील्ड में काम करते हैं, एक समन्वय बैठक हुई है और ये तय किया गया है कि किसी भी कीमत पर जून 2025 तक रेलवे लाइन सीधी तक बन जाए, जिससे कि रेवांचल जो आती है रीवा वो सीधी तक जा सके। ये आज तय कर दिया गया है और उनकी जो आपस की समन्वय और एक दूसरे के सहयोग की विषय थे सब सामने आ गए हैं और सीधी से सिंगरौली फिर आने वाले 6 महीने के बाद सीधी सिंगरौली में मतलब दिसंबर 25 तक हम उसको भी पूरा कर सकें, इसके लिए योजना बनाने के लिए उनको कह दिया गया है। मोदी जी की सरकार ने और रेल मंत्री जी ने पर्याप्त तो बजट उपलब्ध करा दिया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये रीवा से सिंगरौली रेलवे लाइन विंध्य क्षेत्र के लिए भाग्य रेखा जो हम लोग समझते रहे हैं और पहले की सरकारों में बजट न मिलने के कारण ये काम नहीं हो पाता था, ये पूरी होने के बाद विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति लाने का जो हम लोगों का सपना है, पर्यटन की क्रांति लाने का जो हम लोगों का सपना है, अगस्त के अंतिम सप्ताह में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और ये रेलवे लाइन का काम को पूरा करेंगे। हाईवे आप देख ही गए हैं, शानदार बनी गई है।